हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसटीडी विद्यान प्रकाश में। देखिए, आज का विचार है कि फ़र्क सिर्फ सोच का होता है, क्योंकि सीढ़ियाँ वही होती हैं जो किसी के लिए ऊपर जाती हैं तो किसी के लिए नीचे। देखिए, आपने वो वाली कहानी सुनी होगी जिसमें एक मेंढक का राजा होता है, उसने तालाब के बीचों बीच एक खंभा लगवा दिया था और ये घोषणा कर दी थी कि इस तालाब के बीच में जो ये खंभा है, इस पर जो भी मेंढक बिल्कुल ऊपर तक पहुँच जाएगा उसको हम अपना पूरा राज्य दे देंगे और उसको इस राज्य का उत्तराधिकारी मान लेंगे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मेंढक थे, हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, जिन लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी ऊपर तक नहीं जा पाया क्योंकि जो खंभा था बहुत चिकना था। तो ऐसे में लिखित को पढ़ के, जो पोस्टर लगे हुए थे उसको पढ़ के, एक छोटा सा मेंढक आया और उसने जो खंभे पर चढ़ने की कोशिश की तो बाकी जो मेंढक थे वो चारों तरफ से बैठ गए, मतलब तालाब के चारों तरफ, और सब लोगों ने जोर जोर से यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि जो है कोई चढ़ने पाया, कोई चढ़ नहीं पाया, ऊपर नहीं जा पाओगे, नीचे उतर आओ, मतलब कि प्रयास मत करो, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, ऊपर तक कहीं आज तक जा ही नहीं पाया, तुम कैसे जा सकते हो, तुम तो इतने कमज़ोर भी हो और तुम इतने छोटे भी हो। लेकिन वो जो मेंढक था वो चलता ही गया और फाइनली वो पहुँच गया टॉप पे और उसने जो है अपने एलिजिबिलिटी जो थी, मतलब युवराज, वो बन गया। तो बाद में पता चलता है कि वो जो मेंढक था वो ऊंचा सुनता था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, तो बाकी के जो मेंढक जो चिल्ला रहे थे कि आप ऊपर तक नहीं जा सकते, ऊपर तक नहीं जा सकते, वही जो मेंढक थे, मतलब और जो मेंढक जो चढ़ रहा था ऊपर, उसको समझ में आ रहा था कि बाकी लोग मेरा वो कर रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस थोड़ी सी मेहनत करो, तुम ऊपर तक पहुँच सकते हो, और फाइनली वो मेंढक जो है ऊपर पहुँच गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का आपके जीवन में भी बड़ा महत्व होता है कि जब परिस्थितियाँ आगे विपरीत हो, बहुत सारे लोग आपसे ये कह रहे हो कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तब भी वो काम आप कर सकते हो, बशर्ते कि आप अपना नज़रिया जो है वो सकारात्मक रखो। नकारात्मकता के लिए अपने जीवन में कोई स्थान मत रखो। जो भी चीज़ें लगें कि आपको, जो विचार लगें, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और आपको अपने टारगेट से दूर कर रही हैं, तो उन चीज़ों से खुद को जो है दूर कर लो, ठीक है, और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करो, तो सफलता आपके लिए मिलकर रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है 27 नवंबर 2017 और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में शिक्षा और रोजगार जगत के लिए कौन कौन सी खबरें छपी हुई हैं। तो जो सबसे पहली खबर है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, UPPCS जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था 24 सितंबर को, उसका परिणाम जो है अब दिसंबर के मध्य में आने की सूचना मिल रही है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा आयोग की PCS प्री 2017 परीक्षा की उत्तर कुंजी पर दर्जनों प्रौद्योगिकी छात्रों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। प्रौद्योगिकी छात्रों ने आयोग की ओर से जारी 8 प्रश्नों के उत्तर पर साक्ष्य सहित एतराज जताते हुए कहा है, कितने प्रश्न, 8, और उस पर साक्ष्य भी दिया गया है कि इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए जाएँ और 4 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो खारिज कर दिए जाएँ और इन 4 प्रश्नों को हटा ही दिया जाए। देखिए, जिन प्रश्नों को हटाने की मांग की जा रही है उनमें से 2 ऐसे हैं जो हटाने की मांग की जाए, उसमें 2 ऐसे हैं जिनके उत्तर के 4 विकल्पों में से 2-2 विकल्प सही हैं, ठीक है, इसलिए उनको हटाने की मांग की जा रही है। और वहीं एक प्रश्न ऐसा है जिसके उत्तर के 4 विकल्पों में से 1 भी सही नहीं है, तो एक प्रश्न ऐसा भी है जिसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं दिया गया है। तो आपत्तियाँ जो है 24 नवंबर को दिन में 5 बजे तक दर्ज होनी थी, अब आयोग की ओर से आपत्तियों की जाँच के लिए विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी को जो आपत्तियाँ मिली हैं उसके अनुसार अब फिर से वो लोग स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद अपना कमेटी जो रिपोर्ट देगी। आयोग कमेटी की संस्तुति के मुताबिक उत्तर कुंजी को संशोधित करते हुए PCS प्री 2017 के OMR का मूल्यांकन करवाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 15 दिन का समय तो लगेगा ही और जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर कुंजी को संशोधित हो जाती है तो फिर OMR के मूल्यांकन में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि सभी OMR को स्कैन करने के बाद ही आपत्तियाँ लेने के लिए उत्तर कुंजी जारी की जाती है। और 24 सितंबर की PCS प्री परीक्षा में मैं आपको बता दूं कि कुल जो लगभग 4.5 लाख जो अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से लगभग जो है 2.5 लाख के आसपास परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो ये खबर हो गई UPPCS प्री के बारे में। अगली जो खबर है वो ये है कि दावे तो बड़े बड़े लेकिन रवैया रहा वही पुराना लोक सेवा आयोग का। तो देखिए, RO ARO की जो रिजल्ट, मतलब जो UPPCS का RO ARO का जो रिजल्ट आया था 2014 वाला, उसमें आपने देखा था कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको 60 में 60 प्लस नंबर मिल गया था और वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको 60 में 0 नंबर मिला था। यानी कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने कहा भी, बाद में स्वीकार भी किया कि उन्होंने इतना अच्छा पेपर नहीं किया था कि उनको 60 में 60 नंबर मिल जाए, और वहीं पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी आए जिन्होंने कहा था कि मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया था कि 0 नंबर मिलने की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने RTI भी डाली लेकिन आयोग ने तब कहा था कि कापियाँ जो है जला दी गई थी। इस पर भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि अभी जब तक नियुक्ति नहीं होती है 10-10 साल तक कापियाँ रखी जाती है तो आपने कापियों को नष्ट कैसे कर दिया। खैर, बाद में आयोग ने माना भी कि हम उनसे गलती हुई है
और अब इस समय जो है ये कोशिश की जा रही है कि जनवरी से पहले पहले जितने भी रिजल्ट पेंडिंग में हैं उनको जारी कर दिया जाए, और उनको जारी करने के बाद आगे जो है एक कैलेंडर जारी करके नियमित रूप से परीक्षा ली जाए। लेकिन 2017 में जो पेपर बनाया गया उसमें एक्सपर्ट्स कई अच्छे अच्छे एक्सपर्ट विशेषज्ञों की राय ली गई, उसके बाद पेपर बनाया गया। लेकिन देखिए जो लोग पेपर बनाते हैं उनको चाहिए कि वो अपना जो जो प्रश्न जो वो लोग सेट कर रहे हैं उसका उत्तर भी आयोग को प्रोवाइड करवा दें, और उत्तर आयोग को लेना चाहिए, और ये आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि जब वो प्रश्न एक्सेप्ट कर रहा है जिससे उससे उसका उत्तर भी ले ले, और मतलब कि परीक्षा होने के 3-4 दिन बाद 1 हफ्ते के बाद वो आंसर की जारी कर दे। तो ऐसे में मतलब ये क्या तरीका है कि आप परीक्षा करवा लेते हो फिर कहते हो कि अब इसका आंसर हम बाद में खोजेंगे, मतलब प्रश्न जो पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको खुद पता नहीं है, फिर 54 दिन लगा देते हो आप आंसर की जारी करने में, फिर 8-8 प्रश्न जो है उस पर ऑब्जेक्शन आ जाता है, 6-6 प्रश्न आप खुद ही मान लेते हो कि हाँ ये गलत है, मतलब कोई क्या हो रहा है ये सब। और उसके बाद फिर आप कहते हो सीबीआई की जांच होगी, सीबीआई जांच की घोषणा हुई लगभग 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में आज तक कोई भी मतलब ना तो टीम का गठन हुआ ना कुछ हुआ, तो मतलब बस दावे किए जा रहे हैं, अभी तक कोई भी ठीक ठीक संशोधन नहीं हो पा रहा है। पहले ये कहा गया था कि सितंबर में अगर परीक्षा हो रही है तो अक्टूबर में 10 अक्टूबर तक जो है आंसर किया जाएगी, और जनवरी तक जो है 15 जनवरी के आसपास परीक्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन अब तो लग रहा है कि जो पीसीएस मेंस की परीक्षा है वो तो लग रहा है फरवरी में हो जाए तो भी बहुत है, और अभी तो जो है पीसीएस 2016 की परीक्षा का परिणाम ही लटका हुआ है, तो बस केवल दावे दावे और दावे। ठीक है, अगली जो खबर है वो भी कुछ अच्छी खबर नहीं है, ये भी मैं तो मानता हूँ कि बहुत ही बुरी खबर है। वो बुरी खबर ये है कि देखिए उच्च प्राथमिक जो स्कूल थे कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए जो पहले सीधी भर्ती होती थी विज्ञान और गणित के शिक्षकों की, वो भर्ती अब नहीं होगी। अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का जो 20वां संशोधन था उसको जो है रद्द कर दिया गया है, कब, 9/11/2017 को, यानी 9/11/2017 को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में एक संशोधन कर दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि अब जो है उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती से नहीं होगी, और सभी पद जो होंगे वो प्रमोशनल यानी कि प्रमोशन करके भरे जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही गलत बात है, पहले विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों के कुल पदों में से 50% जो होता था वो सीधी भर्ती से, और 50% जो होता था वो जो है प्रमोशन से भरे जाते थे। लेकिन अब सभी पदों को प्रमोशन से भरने जाने का प्रावधान किया गया है। विज्ञान व गणित विषय से भिन्न दूसरे विषय के जो पद हैं, यानी कि विज्ञान गणित आप कला किसी के भी आप छात्र रहे हों, किसी से भी आपने UPTET पास की हो, आपको कोई भी सीधा फायदा नहीं होने वाला है। मतलब एक तरह से UPTET की परीक्षा जो करवाई जा रही है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की जो भर्ती होगी या प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए प्राथमिक स्कूलों में यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक में आपको न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन के लिए उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक और प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा। यानी कि अब ये माना जाएगा कि अगर आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए प्रधानाध्यापक बनाया जा रहा है या आपको जो है सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति लेनी है तो आपको जो है 1 से लेकर 5 तक के लेवल पर कम से कम 5 साल का मतलब आपको अनुभव होना चाहिए, 5 साल की आपकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन एक नियम और शिथिलता इसमें दे दी गई है कि अगर प्रमोशन के लिए पात्र अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनुभव की अवधि में शिथिलता दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में एक जो बड़ा प्रश्न जो वो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि फिर क्या औचित्य बनता है उच्च प्राथमिक TET का। देखिए ऐसे में जब सरकार ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती के प्रावधान को समाप्त कर दिया है तो अपर प्राइमरी स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा TET करवाने का औचित्य समझ से परे है। यूपी में जुलाई में 2011 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से सिर्फ 1 बार 29,334 विज्ञान गणित शिक्षकों की भर्ती हुई है, और ये भर्ती भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ये भर्ती पूरी तरह से अब तो कोर्ट में भी पहुंच गई है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये दावा किया है कि जो लोग TET पहले पास किए थे BEd बाद में पास किए हैं उनको बाहर किया जाए। तो देखिए जो लोग उसमें अपेयरिंग में थे शायद उनको राहत मिल जाए, लेकिन जो लोग मतलब TET पास करने के बाद एडमिशन लेके किए हैं उनका अपेयरिंग नहीं है, 1 साल का गैप हो रहा है, तो उनको तो भाई बाहर होना ही पड़ेगा। अभी भी कुल मिला के ये माना जा रहा है कि लगभग 7,000 पद इसमें से रिक्त हैं। और देखिए प्राइमरी प्राथमिक स्तर पे जो 72,000 वाली जो भर्ती चल रही थी 72,825 की, तो पहले क्या हुआ था कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 72,825
और 29,334 यानी विज्ञान गणित दोनों में अप्लाई किया था। पहले वो सिलेक्ट हो गए थे 72,825 में, लेकिन जब 29,334 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान गणित शिक्षकों के लिए तो चयनित हुए, तो उन्होंने कुछ पदों को छोड़कर ड्रॉप आउट कर दिया और चले आए विज्ञान और गणित वाले में उच्च प्राथमिक स्तर में, क्योंकि इसमें सैलरी वगैरह अच्छी होती है। तो इसमें चले आए तो बहुत सारी मतलब कि बहुत सारे पद जो थे 72,825 में ये खाली हो गए। तो एक RTI डाली गई तो लगभग इस समय वर्तमान में 8,000 से अधिक पद खाली। ये बहुत बड़े पद होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में पद होते हैं। सरकार अगर इन पर जो है मतलब जो भी पद रिक्त हैं अगर सभी पदों को जनरलाइज कर दे और जनरलाइज करने के बाद नियुक्ति कर दे तो एक मतलब कि बहुत बड़ी समस्या लोगों की समाप्त हो सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो देखिए जो लोग 35 साल के भी थे 2011 में, वो आज की डेट में जो है कम से कम 41 साल के हो चुके हैं, उनका भविष्य जो है इस भर्ती ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। तो होना ये चाहिए कि भाई 2011 में जो लोग 35 साल के थे कम से कम यहाँ पे 8,000 भर्ती जो है इसको क्लियर कट अगर आप करवा देते तो कम से कम बहुत सारे लोगों का भला हो जाता। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी दुआएं सरकार को भी लगती हैं और उनके उनका जो परिवार था अच्छे से चलता, लेकिन सरकार क्या करना चाहती समझ में नहीं आता है। इनके मतलब पास इतने अच्छे अच्छे अफसर होते हैं, IAS PCS लेवल के होते हैं, इतना अच्छा ब्रेन होता है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स हालांकि स्थितियां जो है बहुत बुरी सी प्रतीत होती हैं, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे होते थे तो उस समय सभी लोगों से अगर पूछा गया होता, हमसे भी पूछा जाता कि ये क्या सही हो रहा है, राम को वनगमन मतलब राम वन भेजे जा रहे हैं क्या अच्छा है, तो हम तुरंत कहते कि नहीं गलत था। लेकिन राम का वन जाना संसार के लोक कल्याणकारी सिद्ध हुआ, तो कभी भी हम प्रकृति के खेल को नहीं समझ सकते हैं। हमें ये मान चलना चाहिए जो कुछ भी प्रकृति हमारे साथ करती है वो अच्छे के लिए करती है। हमें अपना उत्साह बनाए रखना है, हमें मेहनत करनी है। आगामी कई सारी भर्तियां हैं जो आने वाली हैं और उसमें के लिए आपको तैयार रहना होगा। हालांकि कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन इतना नहीं है, क्योंकि हमेशा अंग्रेजी में कहावत है कि देयर वाज ए प्लेस ऑलवेज ऑन द पीक, यानी कि शीर्ष पर हमेशा एक जगह खाली रहती है। बस आपको अपने को इस योग बनाना है कि जो शीर्ष पर हैं उनको आपको रिप्लेस कर देना है अपनी प्रतिभा से। तो फ्रेंड्स आज के समाचारों में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज्ञा दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।